बुंदेलखंड के भावनी बांध परियोजना के प्रचार में यूजर्स ने शेयर किया डैम का फेक फोटो। जानिए तस्वीर की सच्चाई हमारे साथ यानी एक मिनट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया और आप देख रहे हैं एक मिनट। क्या हो रहा है वायरल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 3,240 करोड़ की लागत से बनी परियोजना का उद्घाटन किया था। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मंझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल है। अब सोशल मीडिया पर भवानी बांध परियोजना के प्रचार में एक फोटो शेयर की जा रही है। इसमें एक डैम की फोटो छपी है। इस फोटो के साथ लिखा है बुंदेलखंड को सौगात भवानी बांध परियोजना। ललितपुर की 3,800 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा ये। 20 गांव के 862 किसानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। इसके नीचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो छपी है। वहीं इसके साथ लिखा है सोच ईमानदार काम दमदार। और क्या है वायरल सच? वायरल फोटो में छपी डैम की फोटो को क्रॉप करके हमने इसे गूगल रिसर्च पर रिवर्स सर्च किया। सर्च रिजल्ट में हमें ये फोटो कई मीडिया रिपोर्ट्स में मिली। एक वायरल फोटो के में छपी डैम की ये फोटो श्रीशैलम डैम की है। यह तेलंगाना में महबूब नगर जिले और आंध्र प्रदेश के कुरुनाल जिले की बॉर्डर के पर कृष्णा नदी पर बना है। हड़ताल के अगले चरण में श्रीशैलम डैम के बारे में गूगल पर सर्च किया गया। सर्च करने पर हमें श्रीशैलम की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस डैम की अन्य फोटो और इससे जुड़ी जानकारी मिली। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर कृष्णा नदी पर बने इस डैम का निर्माण कार्य 1960 में शुरू हुआ था और 1981 तक ये डैम पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। साफ है कि वायरल फोटो में छपी डैम की फोटो भवानी बांध परियोजना की नहीं बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर कृष्ण नदी पर बने शैलाम डैम की है। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एक मिनट। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।